नमस्कार, मानस मिश्रा मलिन न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देश के कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर केवल और केवल देश विरोधी काम होते हैं, जिसमें सबसे नंबर वन जेएनयू, जामिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये सारे नाम जब भी हम लेते हैं तो हमारे जो विचार में, हमारे जो दिमाग में एक ही चीज आती है, देश विरोध और देश के खिलाफ साजिश रचना। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जेएनयू का वो घिनौना खेल, जिसका आपको दिखाएंगे आखिरकार जेएनयू में रात में जो कुछ हुआ है, क्या वो कैमरे में कैद नहीं हुआ, क्या वहां पर सीसीटीवी नहीं लगे थे, और आज वहां के वीसी ने बताया है कि इन पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, और क्या मामला था आपको दिखाएंगे आखिरकार कैसे हो रहा था जेएनयू में घिनौना खेल, आपको इस वीडियो में दिखेगा। आपको मैं कुछ लाइनें बोलने जा रहा हूं, ये लाइनें देश के लिए आपत्तिजनक है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा क्योंकि आपको बताना जरूरी है। ये वही जेएनयू है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, जहां पर देश के खिलाफ नारे लगे थे, जो चार्जशीट में कुछ नारे लिखे गए थे, वो नारे थे हम क्या चाहते आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, गो बैक इंडिया, गो बैक, संग बाजी वाली आजादी, यानी कि पत्थर फेंकने वाली आजादी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, भारत की बर्बादी तक आजादी, भारत के मुल्कों को एक झटका और दो, भारत को एक रगड़ा और दो, हम छीन के लेंगे आजादी, लड़के लेंगे आजादी, तुम कितना मकबूल मारोगे हर घर से मकबूल निकलेगा, तुम कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, इंडियन आर्मी को रगड़ा दो, इंडियन आर्मी पे हल्ला बोल। ये लाइन जो है ये पढ़ते हुए हमें शर्म आ रही है, लेकिन ये लाइन जेएनयू में चार्जशीट में, ये लाइन जो पुलिस की चार्जशीट थी उसके मुताबिक जेएनयू में ये नारे लगे थे जो हमने आपको सुनाए, और आज जेएनयू में और जेएनयू ने शर्मसार किया है। हम आपको पूरी वीडियो दिखाएं एक बार। जब भी कांग्रेस का जहां नाम आ जाता है वहां देश विरोध तो तय होता है, और जवाहरलाल नेहरू का नाम आ जाए तो साहब तो पूरी तरह से बेड़ा गर्क ही होता है। तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देख के वीडियो को शेयर करिएगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं विश्वेश, और मैं इनके तरफ लिए चलूं, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मैटर आपको समझा देता हूं। कल रात में कुछ तस्वीरें आपके सामने इस समय नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें हैं जो जामिया में आज वहां पर देखी गई, जहां ब्राह्मणों के बारे में अपशब्द लिखे गए और बनियाओं के बारे में अपशब्द लिखे गए, और वहां के टीचर्स जो थे, प्रोफेसर जो थे, उनको शाखा जाने की बात कही गई, इतने भद्दे भद्दे कमेंट किए गए, और ये वही जेएनयू है जहां लिविंग रिलेशनशिप को सबसे ज्यादा बढ़ावा मिलता है, और यहां पर हिंदुओं ब्राह्मणों को आभार फेंकने की बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं विश्वेश की तरफ। तस्वीरें आपने देख ली, सब कुछ देख लिया, आप विश्वेश आप क्या कुछ कहेंगे आखिरकार, ये जो मैंने नारों की लिस्ट सुनाई, हालांकि एक बार फिर से आपको लिस्ट दिखाऊंगा कि आपके जहन में ये डालना जरूरी है। ये नारे मैंने इसलिए नहीं लगाए हैं कि ये नारे मुझे लगाने में या किस तरह से, मुझे सिर्फ ये नारे इसलिए लगाए कि आपके जहन में जाना चाहिए कि ये यूनिवर्सिटी है जहां पर इस तरह के नारे लग चुके हैं। देखिए, कहीं ना कहीं पे जेएनयू को, यह हमारे देश की विडंबना है कि कहा जाता है कि देश का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है जो बच्चों को पढ़ाता लिखाता है, लेकिन अगर हम ये बात 40 साल पहले कहते तो शायद ये सही रहता। आज के परिदृश्य को देखते हुए हमें एक बात साफ समझ में आ रहा है कि जेएनयू में पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ाई के अलावा सब कुछ हो रहा है, राजनीति हो रही है, जेएनयू में आंदोलन होता है, जेएनयू में देश विरोधी नारे लगते हैं। ऐसे में जेएनयू में कौन सा कोर्स पढ़ाया जा रहा है और जेएनयू में किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, ये सब तो जनता के सामने है। मैं यहाँ एक बात साफ कहना चाहूँगा कि जेएनयू वो जगह है जहाँ पे एक कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए मात्र 10 से 20 रुपये फीस लग रही है पर सेमेस्टर, वहीं एक नर्सरी क्लास के बच्चे को पढ़ने के लिए आज के समय में 2000 रुपये तक की फीस देनी पड़ती है। जेएनयू में आपको किसी तरीके का टैक्स नहीं देना पड़ता है पढ़ाई पे, वहीं आज के समय में एक नर्सरी क्लास के बच्चे को मोजा तक खरीदने के लिए पैसा खर्चा करना पड़ता है।
कहीं ना कहीं जेएनयू में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कन्हैया कुमार जैसे जो बच्चे हैं जो कहते हैं कि हमारे परिवार के पास तो 10 रुपए भी नहीं है फीस देने के लिए, ऐसे में जेएनयू हमको पढ़ा रहा है, हमको पाल पोस रहा है, और वही कन्हैया कुमार फ्लाइट से देश विदेश के दौरे कर रहे हैं, वही कन्हैया कुमार राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में हैं, ऐसे में उनके पास इन सभी चीज़ों के लिए पैसे हैं मगर पढ़ाई करने के लिए फीस भरने के लिए उनका पैसा नहीं। विश्वेश में एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा कहना चाहूँगा, सबसे अहम बात यहाँ पर, आप फ्लाइट से घूमो, आप चार्टर प्लेन से घूमो, आप किसी चीज़ से घूमो, आप पैदा हुए हो, आपके राइट्स हैं, आप जाके कमाई करिए, आप मेहनत से पढ़ाई करिए, लगन से पढ़ाई करिए और जो मन करे वो करिए। आज हम सवाल जो खड़े कर रहे हैं यहाँ एक कन्हैया का सिर्फ सवाल नहीं है, क्योंकि ऐसे कितने कन्हैया हैं जो जेएनयू जामिया इस्लामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, बार बार 2-3 नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे जहन में अब जब भी मैं इस तरह की बातें सुनता हूँ तो मेरे जहन में सिर्फ यही 2-3 नाम आते हैं। आखिरकार आज देश में हम यूनिवर्सिटी की बात करें, विश्वविद्यालयों की बात करें तो 500 से अधिक स्टेट यूनिवर्सिटीज की हम बात कर रहे हैं, जो स्टेट से रिलेटेड है यूजीसी लिस्ट में देख रहे हैं तो 500 के आसपास यूनिवर्सिटी हैं। 500 से आसपास अगर ये विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों में महज 2-3 नाम आते हैं और जो सिर्फ इसलिए हैं कि देश विरोधी नारे हैं। आप यकीन मानिए विश्वेश, आप भी गए होंगे जामिया में, गए होंगे आप जेएनयू में, गए होंगे, हम जब वहाँ पर जाते हैं और एज ए पत्रकार जाते हैं तो हमें वहाँ पर एक फील आता है, हमें एक डर सा फील होता है क्योंकि वहाँ पर कब कौन हमें हमारे ऊपर हमला कर देगा, क्योंकि आपसे तुरंत आपका पूछा जाएगा कि आप कहाँ से हैं, कौन से विंग के हैं, लेफ्ट विंग के हैं, तो आपका आरती उतारी जाएगी। जैसे ही आप दिखेगा कि आप तो देशभक्त हैं, आप राष्ट्रवादी हैं, आप ऐसे हैं, तो आपके ऊपर सीधे हमला कर दिया जाता है। हमारी टीम के साथ भी ऐसा कई बार हो चुका है जामिया इस्लामिया में भी, और वहाँ पर हमारे जाबाज पत्रकारों ने, जी हाँ, हमारे जाबाज पत्रकारों ने, वो सब पुलिस के सामने हो रहा था, जाबाज पत्रकारों ने उन देशद्रोही ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन आज जो कुछ जेएनयू में हुआ है, आज ये जो कुछ चल रहा है, ये खेल चल रहा है, असल में क्या बताएं आपको, ये जो बनिया को भगाओ, ब्राह्मण को भगाओ, असल में क्या चक्कर है कि इन्होंने शेड्यूल कास्ट को अलग कैटेगरी में डाल दिया कि शेड्यूल कास्ट हमारे हैं, अब मुसलमानों के हैं, मुसलमान शेड्यूल कास्ट। आपने ये सब कनेक्शन जो है, ये कनेक्शन जेएनयू का सीधा नहीं, ये कनेक्शन आपने देखा होगा 2047 तक गजवाए हिंद जो बनाने की प्लानिंग थी उसमें धीरे धीरे करके हिंदुओं में से एक एक समाज को तोड़ करके अपने में जोड़ा जाए। अब इन्होंने ब्राह्मण को और बनिया को टारगेट कर लिया तो जो बाकी लोग हैं वो सीधे तौर पर कहेंगे अरे हमें तो कुछ नहीं बोला, ये हमारे हितैषी हैं। अब ब्राह्मण बनिया को किनारे करके बाकी लोग को एक किनारे करने का प्रयास किया जा रहा, अपने साथ मिलाने का प्रयास किया जा रहा है। ये 2047 तक छिनुष्टी के जरिए, कॉलेजों के जरिए और छोटे छोटे एनजीओ संस्थाओं के जरिए ये देश को पूरी तरह से गजवाए हिंद की तरफ ले जाने की प्लानिंग है। मैं आपको बता दूं, आपने देखा कि हाल फिलहाल में PFI को बैन किया गया, और PFI को बैन करना, आपको बता दूं PFI एक जो गजवाए हिंद की प्लानिंग कर रहे थे, विश्वेश में बताऊं PFI महज एक उसकी एक शाखा थी, अभी ऐसी कितनी शाखाएं देश में हैं जो फल फूल रही हैं। हाँ, लेकिन ये बात तो तय है कि हमने एक शाखा जो थी उसको काट दी है, उससे जुड़े हुए बहुत सारी शाखाएं नहीं है, क्योंकि इनका जो प्लान ए प्लान बी होता है वो दोनों एकदम बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। और यही प्लानिंग जो चल रही इस समय कि देश में जातिवाद के नाम पर बांट दो और मुसलमानों के साथ बाकी धड़ा चला जाए, क्योंकि आज शेड्यूल कास्ट को जिस तरह से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, बौद्ध धर्म में जोड़ा जा रहा है, कहीं कुछ कराया जा रहा है, ये सारा का सारा कुछ आपने देखा अभी अरविंद केजरीवाल के खुद के नेता ने हिंदू देवी देवताओं को गाली दिया यार, वहां पर बौद्ध धर्म से जोड़ने के लिए क्या क्या कुछ कहा, 10,000 लोगों को बौद्ध धर्म में परिवर्तन करने के लिए 10,000 एक दो ने 10,000 लोगों को एक साथ ऑन स्टेज ऑन मीडिया उन्होंने धर्म परिवर्तन कराया। देखिये, यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात है मानस जी, की एक स्कूल या एक कॉलेज वो जगह होती है जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों की मानसिकता बदली जाती है। स्कूल या कॉलेज की काम होता है कि हम अपने बच्चों को विकास की तरफ बोलें, हम उनके मानसिकता को बदलें ताकि वो पढ़ाई लिखाई करें, वो देश का भविष्य बने। लेकिन जब किसी बोले जाने माने यूनिवर्सिटी में
देश के भविष्य ही देश के खिलाफ नारे लगाते हैं, देश के भविष्य के बच्चे ही बूढ़े होते जा रहे हैं वहां पढ़ते पढ़ते। आज के समय में गरीब की एक छोटा सा सोच है कि हम JNU में एडमिशन ले लें, वहां फ्री का खाने को मिलेगा, वहां रहने को मिलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम वहीं बूढ़े हो जाएं, वहीं पे शादी कर लें, वहीं बच्चे पैदा कर दें, और वही बच्चे फिर इस देश के लिए अलगाववादी बन जाते हैं, वही बच्चे इस देश में वामपंथी बन जाते हैं। और जिस तरीके से वो नारे लगाते हैं, आपने कोई यूनिवर्सिटी, आप कोई कॉलेज हमें बताइए, इतने बड़े बड़े एम्स हैं, नीट के कॉलेजेस हैं, कभी आपने सुना कि CA को लेकर वहां पर आंदोलन हुआ? कभी आपने सुना कि अगर वहां बोला गया है कि 75% अटेंडेंस होना चाहिए तो उस अटेंडेंस के खिलाफ आंदोलन हो रहा है? क्या आपने सुना कि अगर 20 रुपए का फीस हॉस्टल का 300 रुपए बढ़ा दिया गया तो वहां मार हो गई कि 20 रुपए का फीस था 300 कैसे करा दिया? हम गरीब हैं, ये गरीब बच्चे कितने गरीब हैं ये इनकी हरकतों से पता चल रहा है। ये देखिए, JNU भारत का सबसे अच्छा विद्यालय था, ये ठीक उसी तरीके से ये मनगढ़ंत कहानी रची गई जिस तरीके से हमारे इतिहास को नेहरू द्वारा रचा गया, कांग्रेस द्वारा रचा गया, ठीक उसी तरीके से JNU को कांग्रेस द्वारा एक वो कहानी बना दी गई कि ये सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी है, यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है। आप मुझे वो एक नाम गिनवाइए जिसने JNU में पढ़ाई करके इस देश के लिए कुछ किया हो, एक नाम। देखिए, मैं एक बात आपको करूँ कि एक संस्था होती है, जिस संस्था का काम हमारे जो एजुकेशन का संस्था है, हमारे लोगों को एजुकेशन देना है। हम आपको बताएं, ये जो संस्थाएं हैं उसमें सबसे अहम होता है कि कहीं कट्टरता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। अब JNU में कट्टरता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, और सबसे हम आपको बता दें, किसी को कट्टर बनाना हो तो सबसे अच्छी उसकी उम्र जो होती है, वो सबसे अच्छी उम्र होती है वो ग्रेजुएशन कर रहा हो, क्योंकि वो सीधे तौर पर वहां पर आप उसको जो भी पढ़ाएंगे, जो चीज भी करेंगे, कि उसका जोश हाई होता है, माँ बाप से वो दूर होता है, और वो जो कहीं ना कहीं आसमान में उड़ने का प्रयास करता है, और उसे दिखता है कि अरे ये तो सबसे अच्छा तरीका है हमें आगे बढ़ने का, और वो क्या करता है, वो उस दौरान उसके माइंड में जिहाद ये भरा जाता है, देश के खिलाफ जिहाद भरा जाता है। हालांकि ये नहीं कह सकता हूँ, कह रहा हूँ कि JNU में सभी लोग ऐसे हैं, JNU में, लेकिन यहां पर आने के बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो इस विचारधारा को अडॉप्ट कर लेते हैं, और उस विचारधारा को अडॉप्ट करके चले जाते हैं, और लेफ्ट में लेफ्ट विंग वाले उनको पकड़ते हैं और उनको देश के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं और देशद्रोह करने का पूरी तरह से कृत्य करते हैं। कन्हैया, मैं बार बार कह रहा हूँ, कन्हैया कुमार तो एक छोटा सा नमूना है, कठपुतली है, ऐसे कितने हैं जिनकी जानकारी तो अभी हमें है ही नहीं, जो देश में रह करके वामपंथ फैला करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए कई लोग जो पकड़े गए थे वो JNU के भी कुछ प्रोडक्ट थे। आपको बता दूं, अभी आपने बताया ना, JNU के ही कुछ प्रोडक्ट थे जो प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश में ऐसे परिवार जो जुड़े हुए थे। अब सोचिए कि JNU से कैसे प्रोडक्ट आ रहे हैं, और आज जो JNU में गंदा खेल चल रहा है कि हिंदुस्तान के गजवा हिंद बनाने के लिए 2047 का जो प्लान था PFI का, असल में वो प्लान जो है उसमें JNU जैसे यूनिवर्सिटीज भी उसमें शामिल हैं, और ये जिनमें JNU जैसे यूनिवर्सिटी जो हैं वो आज भी उसी मसौदे को, उसी एजेंडे को लेकर चल रहे हैं, और वो चाह रहे हैं, वो जान रहे हैं कि उन्हें क्या करना, उनका टारगेट क्या है, और अपने टारगेट की तरफ अचीव मतलब बढ़ने का पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। और उसके साथ ही उनको विदेशी फंडिंग भी होती है, उसके साथ ही उनको भारी मात्रा में विदेशी फंडिंग होती है। देखिए, कहीं ना कहीं पे JNU का एक अलग कल्चर बन चुका है आज के समय में। हम फिर वही बात अपनी दोहराएंगे कि आज से 40 साल पहले अगर आप कहते कि JNU में पढ़ाई अच्छी होती है, JNU से लोग अच्छे निकलते हैं, हम मानते, लेकिन आज के परिदृश्य को देखने के बाद साफ बात समझ में आ रही है कि JNU में एक कल्चर हो चुका है सरकारी पैसों पर मौज करना, लगातार फेल होना, बूढ़े हो जाना, और सरकार के खिलाफ आंदोलन करना, देश विरोधी नारे लगाना। सरकार के खिलाफ आंदोलन करना, तो कि सरकार के खिलाफ, देखिए मैं कहता हूं कि सरकार है, लोकतंत्र है, यहां विचारधारा है, और हो सकता है कि सरकार के खिलाफ आवाज उठ सकती है और सरकार के खिलाफ लोग बोल सकते हैं, एक नॉर्मल सी लोकतंत्र में नॉर्मल प्रक्रिया है, इसमें कोई सवाल नहीं करने का। लेकिन जब हमने अभी, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको बताने के लिए हमें मेरे एक पॉइंट थोड़ा सुनिएगा, लेकिन जब भारतीय सेना, क्या भारतीय सेना राजनीति का हिस्सा है? भारतीय सेना पे कहा जाता है कि इंडियन आर्मी को रगड़ा, इंडियन आर्मी पे भल्ला बोल, भारतीय सेना के जवानों को रेपिस्ट तक कह दिया जाता है, ये वही JNU है। अब बताइए आप, राजनीति तो समझ में आ रहा है, सेना के ऊपर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, और
कश्मीर में किस तरह के घिनौने लोग शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो उस आर्मी जो हमारे और आपके लिए पत्थरबाजों के पत्थर खाती थी, और आज वो पत्थरबाजों को अगर सजा मिल रही है हुई है तो इनके दिल में दर्द होता है, क्योंकि ये लोग जो हैं ये भारतीय सेना पर विश्वास नहीं करते हैं, ये तो अपने माँ पे भी विश्वास नहीं करते हैं कि इसका बाप किसकी औलादे हैं। सच बताऊं ऐसे लोग की परिभाषा असल में यही है। मुझे याद आ रहा है कन्हैया कुमार ने ये बयान दिया था कि कश्मीर में हमारे भारतीय सेना बलात्कार करते हैं कश्मीरी महिलाओं का। अब यहाँ एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कहानी है कि बताइए आप हमारे देश में हमारे देश की खाते हो, हमारे देश में पैदा हुए, 10 रुपए की फ़ीस, तुम्हारे बाप की औकात नहीं कि 10 रुपए फ़ीस दे पाए, 200 रुपए फ़ीस दे पाए, वो तुम्हें उस बाप को उस औकात लायक बनाते हैं JNU और हमारी सरकार की आप वहाँ पढ़ पाओ, और आप वहाँ पढ़ने की जगह राजनीति कर रहे हो। और मैंने बीच में आपको टोका था, देखिए जनाधार है, ठीक है, लोगों का हक है कि लोग सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएं, कहीं ना कहीं लोगों और छात्रों में बहुत अंतर हो जाता है मानस जी। छात्रों का काम अपने पढ़ाई पर ध्यान रखना है, छात्रों का काम देश के विकास पर ध्यान रखना है, छात्रों का काम हमारे देश को कैसे विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाया जाए वो रखना है, छात्रों का काम ये नहीं है। छात्र कर सकते हैं आंदोलन, छात्र अपने घर जाएं अपने घर से आंदोलन करें, लेकिन किसी शिक्षा संस्थान में आप कैसे किसी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर सकते हो? आप वहां पढ़ने जा रहे हो आंदोलन करने, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप आंदोलन भी कर रहे हो तो किसके लिए? जब छत्तीसगढ़ में हमारे 76 जवान मारे जाते हैं तो आप खुशी मनाते हो उसी कॉलेज कैंपस में, और उसी कॉलेज कैंपस में जब अफजल जैसे लोग मरते हैं तो आप कहते हो अफजल हम शर्मिंदा हैं, तुम्हारे कातिल जिंदा हैं। किस तरीके के आंदोलन है भाई है? और इस आंदोलन का आप कहते हो हमें बोलने की आज़ादी है। कई लोग कहते हैं कि JNU इसलिए अच्छा है क्योंकि वहाँ खुले विचारधारा के लोग रहते हैं, वहाँ पे विचारधारा लोगों की खुली हुई है, लोग अपनी बात रख सकते हैं। अरे बात रखो, लेकिन ऐसे रखोगे? इस पर यही एक लाइन है जो हिंदुस्तान को आज बहुत पीछे ले जा रही है कि बड़े खुले विचारधारा के लोग रख रहे हैं और वो अपनी बात को रखते हैं। देखिए खुले विचारधारा का मतलब और डेफिनेशन बहुत अलग अलग होती है। खुला विचारधारा क्या देश के खिलाफ खुला विचारधारा है क्या? कि खुले विचारधारा है कि आप कुछ भी देश के लिए करो। हम इसीलिए बार बार एक उदाहरण देते हैं, बार बार चीन का। चीन आज अपने आप को इतना विकसित क्यों कर ले गया? हमारे देश में अगर हम कहते हैं, सपोज करिए कि हिंदी हमारी एक भाषा ऐसी होनी चाहिए जिस भाषा में हम पूरे देश को एकजुट कर सकें और सॉफ्टवेयर से लेकर सब कुछ हम बना सकें, यहाँ इस पर एकजुटता नहीं होती है। और चीन में देख लीजिए जितने सॉफ्टवेयर हैं, जितने चीज़ें हैं, सारे चाइनीज में बने हुए हैं सब चीज़ें हैं, और हमारे देश में क्या है कि हमारे देश में एक भाषा को लेकर के भी राजनीति शुरू हो जाती है। हमारे देश में एक कहीं ना कहीं धर्म को लेकर राजनीति शुरू हो जाती है, और ये धर्म को राजनीति, और एक बात बता दें, ये धर्म की राजनीति आज से शुरू नहीं हुई है, ये धर्म की राजनीति एक धर्म को खत्म करने के लिए साजिश रची गई और क्या क्या खेल हुए, और ये सब JNU की ही पैदाइश है। बता दूं आपको कि JNU के विचारधारा वाले ही पैदाइश हैं जो अब आज अलग अलग जगहों में जाकर के यूनिवर्सिटी हो या कहीं प्रोफेसर बने हुए हैं, कहीं साइंटिस्ट बने हुए हैं, कहीं IAS PCS हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो आज उनकी विचारधारा JNU वाली है, और वो लोग कहीं ना कहीं कट्टरपंथ की इस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं देश में। तो ऐसे विचारधाराओं को, ऐसे यूनिवर्सिटीज को हमें लगता है तुरंत के तुरंत बंद करना चाहिए, जिससे आने वाले टाइम में इस तरह के कम से कम आतंकी फैक्ट्री साइलेंट वाले, जो मैंने कहा ना स्लीपर सेल ना पैदा हो सके, ये सब स्लीपर सेल हैं जो वहाँ से बहुत सारे तो पकड़े जाते, मैंने कहा कन्हैया कुमार तो पकड़े गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी फेलिस्ट है जो जा करके अपने अपने क्षेत्र में इस तरह के जिहाद के काम कर रहे हैं और देश विरोधी एक्टिविटी में वो शामिल रह रहे हैं। वो यहाँ पर पकड़े जाना बहुत नहीं है मानस जी, पकड़े जाना बहुत नहीं है। ये पकड़ा कहाँ गया है? कन्हैया कुमार अगर पकड़ा जाता तो आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भारत तोड़ो का काम नहीं करता। कन्हैया कुमार अगर पकड़ा जाता तो आज के समय में वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता। कन्हैया कुमार जैसे लोगों क्यों नहीं पकड़े जाते हैं, हमें सोचने वाली बात है। कन्हैया कुमार जैसे लोग इसलिए नहीं पकड़े जाते क्योंकि कन्हैया कुमार तो एक ऐसी उपज है जो वामपंथियों के द्वारा पैदा की गई है। कन्हैया कुमार जैसे कई और लोग हैं जो हमारे देश में आज भी खुले विचार से अपना अपना जो जहर है वो बोते आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं पे यहाँ पे मैं
छात्रों को गलती नहीं दूंगा। आपने वो कहावत सुनी होगी कि जैसा बीज बोओगे वैसा पेड़ निकलेगा, वैसा पौधा निकलेगा। जब नाम ही उस यूनिवर्सिटी का जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, तो जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने हमारे देश का विभाजन कर दिया, जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने अपने एजेंडे के लिए पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया, उनके यूनिवर्सिटी में आके पढ़ाई ऐसी ही तो होगी? उनके यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कोई ISPCS की थोड़ी ना होगी। उनके यूनिवर्सिटी में पढ़ाई ये होगी कि आप कैसे इस देश में राजनीति कर सकते हो, आप कैसे इस देश में वामपंथी विचारधारा को आगे बढ़ा सकते हो। आपको मैं बता दूं, आप पिछले कुछ वर्षों के, विगत वर्षों का अगर आप वहाँ JNU के मुद्दे उठाएंगे, तो आप देखेंगे कि JNU का प्रोफेसर भगवान श्री राम के बारे में गलत बोलता है, JNU का प्रोफेसर हिंदुओं के बारे में गलत बोलता है, JNU का प्रोफेसर का कहना है कि भारत में बलात्कार बहुत ज्यादा होता है। आप मुझे कोई दूसरा ऐसा कोई देश दिखाइए या कोई दूसरे ऐसे देश की यूनिवर्सिटी दिखाइए जो टॉप लेवल पे गिनी जाती हो और जिसमें इस तरीके की राजनीति होती है, ऐसी घटिया राजनीति होती है। विशेष हम इस वीडियो के आखिर तरफ बढ़ेंगे और एक सबसे हम आपको बता दें कि जो कुछ हो रहा है इसमें सबसे बड़ा अहम रोल सरकार का है। सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। सरकार को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए ऐसी यूनिवर्सिटीज को नहीं चलाना चाहिए। हमें लगता है कि इस यूनिवर्सिटी पे कुछ तो लगाम लगना चाहिए। आज आपका वाइस चांसलर भी आपके ही हैं। आज वाइस चांसलर ने ये कहा है कि आइंदा से ऐसी घटनाएं होंगी तो हम कार्रवाई करेंगे। सबसे बड़ा सवाल या निशान यहाँ भी पैदा होता है कि आखिरकार आइंदा क्या होता है। हर बार ये इस तरह के नारे लगते हैं, हर बार इस तरह से चीज़ें लगती हैं। आपके पास CCTV कैमरे की फुटेज अवेलेबल होगी तो क्या हो सकता है आपको, आपके ऊपर भी सवाल या निशान खड़े होंगे कि क्या आप राजनीति के लिए इस तरह से बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्वेश्चन मार्क है। एक क्वेश्चन मार्क का जवाब आप भी दीजिएगा, लेकिन हम इस चीज़ को एकदम भी सही नहीं ठहराते कि अगर आप कहते हैं कि हम आगे कार्रवाई करेंगे, इस तरह की चीज़ें आज के समय में मुझे लगता है कि एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि JNU का ये पहला केस नहीं है, अब तक कितने कांड कर चुके हैं JNU वाले। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के, ओनली न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।